हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीनियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटे, आज हम जैसे कल हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 30, ठीक है? तो उसमें हमारा क्या चल रहा था? दिन और महीने, ठीक है बेटे? तो पेज नंबर हमारा है 61। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने दिनों के बारे में जाना, ठीक है बेटे? आई होप कि आपने अच्छे से लर्न किया होगा, है ना? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, महीनों के बारे में। कल आपको मैंने बताया था कि 24 घंटे का एक दिन बनता है ना? 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, तो दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक दिन बना, ठीक है बेटे? तो आज हम यहाँ पर महीनों के नाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने हमारे 31 दिन के होते हैं, और जो फरवरी है हमारी उसके अंदर 28 दिन होते हैं, और 4 साल बाद इस फरवरी में 29 दिन भी आते हैं, ठीक है? तो फरवरी को छोड़कर बेटे जितने भी महीने हैं वो 30 और 31 दिन के होते हैं, और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन। तो बेटे कुल मिलाकर इन सभी महीनों को मिलाकर कितने महीने बनते हैं? 12 महीने बनते हैं। तो 12 महीने को मिलाकर एक वर्ष बनता है, जिसके अंदर हमारे एक वर्ष के अंदर 365 दिन या 366 दिन होते हैं। ओके बेटे, तो आज हम यहाँ पर महीनों के नाम की चर्चा करेंगे या उसके विषय में जानेंगे। ओके बेटे, तो ध्यान से देखिए, पेज नंबर हमारा है 61। एक वर्ष 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने। सभी महीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको महीनों के नाम दिए गए हैं, हम उसके बारे में जानेंगे कि हर एक महीने का कौन कौन सा नेम है, यानी कि हर एक महीने में जैसे अब हमारा कौन सा चल रहा है, हमारा फर्स्ट महीना चल रहा है, जैसे किस नाम से जाते हैं हम? जनवरी के नाम से जाते हैं। तो जनवरी का महीना बेटे कैसा होता है आप लोगों को पता है ना, कितनी ठंड पड़ रही है, तो जनवरी में बहुत अधिक ठंड पड़ती है ना? तो नेक्स्ट आ गया हमारा फरवरी। तो फरवरी में क्या है बेटा, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर धूप निकली हुई है और बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर खुशनुमा माहौल होता है फरवरी के अंदर, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा जो मैं नेम यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट हमारा महीना है जो, तो उसका नाम है जनवरी। तो हेड हम लगाएंगे महीनों के नाम। तो फर्स्ट हमारा है जनवरी और सेकंड है फरवरी। जनवरी के अंदर में आपको पता है कितनी ठंड पड़ती है, और फरवरी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, ठंड के बाद थोड़ी थोड़ी मतलब खुशनुमा माहौल हो जाता है, धूप निकलने लग जाती है ना? तो उसके बाद तीसरा महीना कौन सा आ गया हमारा? मार्च। उसके बाद चौथे नंबर पे यानी कि जो नेक्स्ट हमारा महीना है वो है अप्रैल। कौन सा महीना आ गया बेटे? फोर नंबर पे अप्रैल। और फिफ्थ नंबर पे हमारा है कौन सा? यस बेटे, मई। मई का महीना आ जाता है पांचवें नंबर पे। फिर आ गया सिक्स, यानी कि छठे नंबर पे हमारा कौन सा महीना आ गया? जून। जून में क्या होता है? जून में क्या होता है? छुट्टियां होती हैं, है ना? एंजॉय करते हो ना आप लोग। इसके बाद सेवन नंबर पे है हमारा जुलाई। जुलाई के बाद, जुलाई में क्या होता है, हमारे स्कूल ओपन हो जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, है ना? न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई के बाद। अगस्त, हाँ जी, अगस्त के बाद नेक्स्ट जो नौवां महीना है कौन सा है हमारा? सितंबर। सितंबर
सितंबर के बाद दसवां महीना आ गया हमारा अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आ गया हमारा कौन सा महीना? यस नवंबर। कौन सा? नवंबर। और लास्ट हमारा कौन सा है बेटे? जो भी गया है कौन सा महीना गया है हमारा? दिसंबर। तो लास्ट हमारा कौन सा महीना आ गया? बारहवां महीना यानी कि दिसंबर। दिसंबर में क्या आता है? अभी हमने बनाया था ना, दिसंबर में क्या आता है? क्रिसमस आता है और न्यू ईयर आता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर जो कितने दिन हो गए हमारे मंथ के, महीनों के कितने नाम आ चुके हैं? यहाँ पर 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने होते हैं, जिनके यहाँ पर आपको मैंने नाम बताए हैं। ठीक है बेटा, तो ये कंटिन्यू ऐसे ही नेम रहेंगे, लगातार ऐसे ही नाम रहेंगे और हम इन्हें इसी नाम से जानते हैं। तो कितने दिन बताए थे मैंने एक वर्ष में बेटे? हाँ जी, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वर्ष के एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन बताए थे। उसी प्रकार एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, जिसे मिलाकर क्या होता है? हमारा वर्ष तैयार होता है, यानी कि एक साल कंप्लीट माना जाता है। और मैंने क्या बताया था प्रभु को? यस, कि फरवरी को छोड़कर जितने भी महीने होते हैं उसके अंदर 30 और 31 दिन होते हैं। फरवरी के अंदर 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की आती है, बाकी साल जो है फरवरी में 28 दिन ही रहते हैं। आई होप कि बेटे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो बेटे आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।